मौला समेटता। छठे इमाम का जुमला है, मौला फरमाते सुनो, जब दुनिया के किसी भी कोने में जब हमारे जद हुसैन का आजादार कोई मरता है तो मैं हाथों को उठाता हूं। ये उठे हुए हाथ किसके? इमाम मासूम के हाथों को उठा के दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तौजिरुका, परवरदिगार अपने जद के आजादार को तेरे सुपुर्द करता हूं। देखिए इस मंजर को आप इस तरह समझेंगे, जब जवान बेटा घर से जा रहा होता है लेकिन परदेश तो बस शहादत छांव पे करती है। ये इमाम गाजी का मफहूम पता है ना, मशाला को करती है दाना कि जा मेरे बच्चे तुझे इमाम रजा के सुपुर्द किया। हां एक बात बताएं, मां दुनिया के सफर पे अपने बच्चे को भेजकर इमाम रजा की सुपुर्दगी में ठेके मुतमईन हो जाती है। हां और जब हम अपने मरने वाले को हुसैन के अजादार को कब्र के हवाले करते हैं तो छठे इमाम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तौजिरुका, परवरदिगारा मैं इसे तेरे से दूर करता हूं, बताओ हम अपने चरित्र को कब्र के अंधेरों में रख के मुतमईन हुए या नहीं। इसलिए हमने तल्हीन पढ़ी, हमने फातिहा पढ़ा, हमने दुआ की, मगर जो इमाम है उसने कहा खुदाया तेरे से पूछ किया। अच्छा एक चीज और अर्ज करो, देखिए दुनिया से जाने वाले अगर घर की रौनक रहे हो तो पूरा घर सन्नाटा हो जाता है। मैं दो जुमलों में बता कर देता हूं। देखिए बेटा बड़ा हो, स्कूल में कॉलेज चला गया, कॉलेज से सर्विस में चला गया, मगर बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है ना घर की रौनक में इजाफा होता है। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है घर के उजाले में इजाफा होता है, घर की रौनक में उजाला होता है, इजाफा होता है। इसीलिए आप देखें कि अगर खुदा ना करे किसी घर की फर्द में कोई एक बेटी आंखों से ओझल हो जाए तो फिर घर वालों को उनका घर काफी दिनों तक अंधेरा अंधेरा लगता है। और एक जुमला मैं ना कहता अगर हुसैन जैसे बाप ने बात न कही, मैं ना कहता मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं क्या करूं? इमाम मासूम ने कहा है हुसैन को सुकून उसी जगह मिलता है जहां सकीना होती है। ये बाप का जुमला है, हुसैन को सुकून उसी घर में मिलता है जहां। बेटी का जुमला भी सुना दो, अजब जुमला जो बेटी ने कहा है, अपनों के दरमियान भी गैरों के दरमियान। बेटी ने अपनी मुख्तसर सी उम्र की तर्जुमानी की है एक जुमले में, मुझे नींद ही नहीं आती थी जब तक बाप वसीला ना मिले। ये मुख्तसर सी सवाल है उम्र है सकीना की, मुझे नींद ही नहीं आती थी जब तक बाप का। और जब रिश्तेदारों के दरमियान से रौनकों का यह चराग बुझ गया, निगाहों से हट गया, और जिसने पाला था, जिसने जगह जगह सहारा दिया था और ये कह के दिया था सकीना अब्बास के बाद ज़ैनब से न कहे, बेटी अपने बाबा हुसैन के बाद ये कलेजे से लग के अपने दिल की बात न कहे तो बेटी किससे कहेगी? उस ज़ैनब ने जब ये तसव्वुर किया कि ये काफिला तो जाएगा मगर काफिले का उजाला नहीं जाएगा, ये कारवां तो जाएगा मगर शाम के अंधेरों में हुसैन के घर के चराग तो हो चुका। तारीख ने बताया तब मैं पढ़ चुका कि जब शाम से कारवान हुसैनी वापस करबला होते हुए मदीने जाने के कस्ते निकला, एक एक बीबी
देखिए आप ऊंट तो आए हैं मगर बेकजाबा नहीं है। आप बीवियों को जाना तो है मगर बेपर्दगी का तसव्वुर नहीं है। बीवियों को सहज अपने कहा सवारियों पे, क्योंकि बीवियां सवारियों में बैठ रही है। अली की बेटी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह जाने किन ख्यालात में डूबी हुई जिंदाने शाम की तरफ पड़ रही है। नफे कुल खत्म है, जिंदाने शाम का रुख है। अली की बेटी आगे बढ़ रही है, अल्लाह जाने किन ख्यालात में तुम है। सकीना को खुदा हाफिज तो कहूंगी मगर कहूंगी क्या। हुसैन की बेटी को अलविदा कहूंगी मगर कहूंगी कैसे। अपने सोने वाली बच्ची से ये बताऊंगी कि वतन जा रही हूं मगर उससे कैसे बताऊंगी जो रोज पूछती थी ठुकरी अल्लाह ये परिंदे शाम का कहा जाते हैं। कदमों के साथ अली की बेटी जिंदा के शाम की तरफ पड़ी और जैसे ही दर पे